अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राशिद मुगल फ्रॉम फैब्रिकेटर्स। और मैं आज आपके लिए जो है कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें एक कार जो है उसके अंदर दो मैनुअल फ्रायर्स हैं और एक कार जो है उसके अंदर दो ऑटोमेटिक ब्लोअर मॉडल फ्रायर्स हैं। ठीक है, दोनों कार्ड्स के थोड़ा साइज़ में भी फ़र्क है, कस्टमाइज्ड कार्ड हैं। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट दीज कार्ड्स। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है ये 4 फिट का कार्ड है, ठीक है, विद कैनोपी एंड फ्लैपर। ये इसका फ्लैपर जो है ये डाउन हो जाता है और ये इस तरह क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसको बड़ी इजीली सिंगल हैंड से स्लाइड डाउन कर सकते हैं। अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिक वर्क, इसका बफिंग पॉलिशिंग, ये सारे कार्ड का कंप्लीट रहता है। इसके ऊपर काफ़ी अभी काम होना है, लेकिन ये कार्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसका थोड़ा बहुत काम रहता है। लेकिन कार्ड डिलीवर हो रहा था सो आई थॉट कि यार कंपैरिजन वीडियो जो है ना वो एक बन जानी चाहिए। अच्छा, इस कार्ड को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है वो 2 16 लीटर के 2-2 ट्यूब के 2 टैंक वाले फ्रायर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ ये वर्किंग स्पेस है, ये प्योरली फ्राइज कार्ट है जिसके अंदर आप फ्राइज का या फ्राइड चिकन का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके 3 साइड्स पे टेम्पर्ड ग्लास लगता है, इसका अभी ग्लास लगा नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक पैनल इसका लगना है अभी। ये इसके कंट्रोल पैनल्स हैं जो कि फ्रायर को कंट्रोल करते हैं, और फ्रंट पे एक टायर है जो के साथ 180 डिग्री पे रोटेशन है उसकी। बैक पे 2 टायर्स हैं, जिस तरह उसके आप देख रहे हैं बैक पे मडगार्ड्स लगे हैं, इस तरह इसके भी मडगार्ड्स लग रहे हैं। तो ये टोटल स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड क्वालिटी 201 ग्रेड के अंदर बने हुए हैं। ये सारा जो है ये कार्ड का एक रिव्यू है। ये फ्रंट है, ठीक है, और ये हम लोगों ने कैनोपी इस तरह बनाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर सोलर पैनल कल को इंस्टॉल किया जा सके। और ये फ्रंट ये एक सर्विंग शेल्फ है और ये सर्विंग विंडो है। ठीक है, इसको अभी वो सारा इसका काम होना है। यहाँ से आप सर्व कर सकते हैं, आपका कस्टमर यहाँ पे खड़े होके इजीली जो है वो अपना फूड जो है उसको आप सर्व कर सकते हैं और वो यहाँ पे खड़े होकर खा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये है इस कार्ड का थोड़ा सा रिव्यू। अब दूसरा कार्ड जो है वो सेम कार्ड है, उसमें उसका साइज़ 5 फिट है, इसका 4 फिट साइज़ है। ये जस्ट फ्राइज एंड फ्राइड चिकन के लिए है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बर्गर का काम भी है। इसके ऊपर सारी ब्रांड वर्क हुआ हुआ है, इसके फ्रंट पे मशीन लगी हुई है, फ्राइज की जो कटिंग मशीन होती है वो लगी हुई है फ्रंट, सारा इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर जिस तरह लाइट पैनल इसमें इंस्टॉल है इसी तरह उसमें भी इंस्टॉल होना है। इसके अंदर 2 फ्रायर्स लगे हुए हैं, ये भी ऑलमोस्ट 16 लीटर कैपेसिटी के हैं, बट ये दोनों जो फ्रायर्स हैं ये मैनुअल फ्रायर्स हैं। यू नो यू कैन सी कि यहाँ पे कोई कंट्रोल पैनल नहीं है, लाइक उसके अंदर जो कंट्रोल पैनल है वो इसके अंदर नहीं है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल का मकसद ये होता है कि जो गैस है उसको कट ऑफ करवाना जब वो एक टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर को रीच कर लेती है। इस पर भी फ्लैपर लगा हुआ है, ठीक है, और इसके एक साइड पे स्मॉल साइज़ की 18 इंचज़ की एक हॉट प्लेट है फॉर बर्गर शॉर्मा रैप्स सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स। और इसके अंदर जो है सॉस बॉटल का एक बनाया गया है, सॉस की जो बॉटल्स हैं उसका कंटेनर है जिसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये बड़ा प्रीमियम क्वालिटी में इसको हम लोगों ने बड़ी खूबसूरत सी इसमें कटिंग करके इसको बनाया। बाकी इसका वर्किंग एरिया है, इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो ये सारा जो है वो स्टोरेज एरिया है। ठीक है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, और ये इसके मडगार्ड्स लगे हैं जिसके ऊपर जो है वो कवर किया गया है। ये बैक साइड पे इसके सिलेंडर की फिटिंग है, ठीक है, और ये ऊपर इसका कैनोपी का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा हार्ट स्टाइल है, कस्टम मेड है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनता है। तो ये हार्ट स्टाइल है, मिस्टर चिप्स एक ब्रांड है ये उसके लिए। अगर आप इसके फ्रंट पे जाएं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसका थोड़ा सा काम होने वाला है, इसका काम हुआ हुआ है। ये सर्विंग शेल्फ है, यहाँ पे आप सर्व करेंगे, और ये सर्विंग विंडो है और ये सर्विंग शेल्फ है जिसके ऊपर आप रख के आप अपने कस्टमर को मील सर्व कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट व्यू है इसको आप फ्रंट पे ऊपर से देखें तो ये मिस्टर चिप्स के नाम से एक ब्रांड है जो कि अपने कार्ड्स लॉन्च करा, अभी पहला कार्ड बनाया है, फर्दर इनके ऑर्डर्स इन प्रोसेस हैं। तो ये एक स्मॉल रिव्यू था और कंपैरिजन वीडियो थी कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो जो हैं वो एक से एक एक कार्ड के अंदर 2 ऑटोमेटिक फ्रायर्स हैं और एक कार्ड के अंदर 2 ब्लोअर मॉडल फ्रायर्स हैं, 2 मैनुअल फ्रायर्स हैं, सॉरी मैनुअल फ्रायर्स में, और इनमें बड़ा फ़र्क होता है, प्राइसेस में भी फ़र्क होता है। जो ऑटोमेटिक फ्रायर्स होते हैं वो गैस सेविंग मॉडल्स होते हैं, गैस सेविंग फ्रायर्स होते हैं। इसके हुक लगी हुई है, इसी तरह उसके हुक लगनी है, ऊपर कवर लगा हुआ है, कवर लगना है, मडगार्ड लगना है, ये सारा कुछ अभी जो है वो थोड़ा सा कोई हार्डली 10-15 मिनट का इसका काम है। इसके अंदर फिर बैटरी का बॉक्स इंस्टॉल होना है, वो बॉक्स बना रहे हैं, बॉक्स यहाँ इंस्टॉल होना है, उसके अंदर बैटरी रखी जानी, बैटरी से इसकी सारी लाइट्स और सारा कुछ जो है अंदर वो चलना है। सो सर, ये थी एक कंपैरिजन। और फिर इसके रोप लाइट भी लगी हुई है, ये रोप लाइट अगर देखें इसका कनेक्शन है, रोप लाइट सारी इंस्टॉल्ड है, लेकिन इसको अभी हमने चलाया नहीं है, अभी चलाते हैं तो आपको बड़ा खूबसूरत रिव्यू इसका आएगा। तो ये था एक कंपैरिजन वीडियो, इसके अंदर एक ऑटोमेटिक ब्लोअर मॉडल फ्रायर्स एक साइड पे हैं
और एक साइड पे मैनुअल फ्रायर्स हैं। ठीक है, एक क्विक रिव्यू था, एक डिटेल रिव्यू जो है ऑन ईच चार्ट में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।